नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। चलिए जयपुर सिटी में सबसे पहले बात नगर निगम हेरिटेज की। तो नगर निगम हेरिटेज में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की नई व्यवस्था से निगम प्रशासन को करीब 8 लाख यहां पर 8 महीने में लाखों रुपए का नुकसान बचने के साथ ही गड़बड़ियों की पोल भी खुल गई है। दरअसल जोन स्तर से लेकर हेडक्वार्टर तक यदि कचरा संग्रहण का हाईटेक निगरानी तंत्र नहीं होता तो 35 लाख रुपए की लगना तय थी। इतना ही नहीं बल्कि व्यवस्था से रेवेन्यू बचत के साथ सीएनजी बेस्ड हुपर होने के चलते पर्यावरण में प्रदूषण भी यहां पर नहीं फैल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। नगर निगम हेरिटेज से डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम करने वाली डीवीजी कंपनी को हटाने के बाद शुरू की गई नई व्यवस्था निगम प्रशासन के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। नई व्यवस्था से जनता को भले ही फायदा हुआ हो या नहीं, लेकिन नगर निगम हेरिटेज ने इस व्यवस्था से रेवेन्यू बचत जरूर की है। जिस काम के लिए उन्हें साल भर पहले तक हर महीने 1,90,00,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते थे, वही काम अब 1,60,00,000 में पूरा हो रहा है। इससे नगर निगम को हर साल करीब 2.25 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की बचत हो रही है। इतना ही नहीं, ऊपर नहीं पहुँचने पर लगाई गई पेनल्टी से भी निगम प्रशासन को 35 लाख रुपए का नुकसान बचा है। नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर, आयुक्त विश्राम मीणा का दावा है कि नई व्यवस्था की ऑनलाइन रियल टाइम मॉनिटरिंग होने से डोर टू डोर कचरा संग्रहण पहले से बेहतर हो रहा है और चार दीवारी समेत हेरिटेज एरिया के तमाम वार्डों में हर कॉलोनियों को कवर किया जा रहा है। इस बार नगर निगम ने इन हुपरों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सभी में GPS सिस्टम लगवाए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें हर गाड़ी की लोकेशन दिखाई देती है। ये कंट्रोल रूम हर जोन ऑफिस में अलग अलग बनाए गए हैं और उसकी निगरानी के लिए एक थर्ड पार्टी कंपनी को हायर किया है जो ये काम देखती है। मेयर मुनीश गुर्जर ने बताया कि राज्य में हेरिटेज निगम पहला निकाय है जहां 2070 हुपरों का संचालन CNG से हो रहा है। इससे हुपर पर्यावरण में प्रदूषण भी नहीं फैला रहे और पैसा भी निगम का कम खर्च करना पड़ रहा है। पहली बात तो हमने इन्हें किराए पे लिया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात यह है कि ये CNG से चलते हैं तो पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं है। हमने इन पे GPS सिस्टम लगाया हुआ है। पर डे हमने पार्षदों को इससे जोड़ा हुआ है, CSI को इससे जोड़ा हुआ है और हमारे जो हेड ऑफिस में है वहाँ पे एक पूरी LED लगी हुई है जहाँ पे उसका सिस्टम चलता है। जोन में भी हमने लगा रखा है। बहुत अच्छा सिस्टम हमने इस बार हुपर्स का किया हुआ है। अगर कहीं भी हुपर्स पहुँचता नहीं है तो हमें तुरंत पता लग जाता है। जोन से हमारी हेड ऑफिस पूरी मॉनिटरिंग की जाती है, न्यू सूचना मिल जाती है और हमारे यहाँ से वहाँ चालान कर दिया जाता है। सारे जो हुपर्स हैं वो VTS एनेबल्ड है। ये तो VTS एनेबल्ड होने से सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो ये पता लग जाता है कि उनको जो पर्टिकुलर जो एरिया दिया है उस एरिया में उन्होंने विजिट किया या नहीं किया, उतनी उनको जो किलोमीटर है उतने किलोमीटर उन्होंने कवरेज किया या नहीं किया। तो एक तो उसकी बेसिकली ये जानकारी हो जाती है, नंबर एक चीज़। नंबर दूसरा, चूँकि यहाँ पर जो सारे VTS एनेबल्ड होने के बाद में सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग चल रही है तो हमारी जो टीम है वो रेगुलर भी ये मॉनिटरिंग करती है कि कौन ऊपर जिसको कितना कवरेज करना था उतना कवरेज हुआ या नहीं हुआ। सिविल लाइन जोन में डोर टू डोर कचरा नहीं उठाने पर 9,11,355 की पेनाल्टी 8 महीने में लगाई गई। वहीं ओपन डिपो से कचरा नहीं उठाने पर 6 महीने में 3,17,750 रुपए की पेनाल्टी लगाई गई। किशनपोल जोन में डोर टू डोर कचरा नहीं उठाने पर 2,39,916 रुपए की पेनाल्टी 7 महीने में लगाई गई। वहीं 5 महीने में ओपन डिपो से कचरा नहीं उठाने पर 2,02,950 रुपए की पेनाल्टी लगाई गई। आदर्श नगर जोन में डोर टू डोर कचरा नहीं उठाने पर 8 महीने में 4,29,568 की पेनाल्टी लगाई गई। वहीं ओपन डिपो से कचरा नहीं उठाने पर 2 महीने में 56,750 रुपए की पेनल्टी लगाई गई। इसके अलावा हवा महल जोन में डोर टू डोर कचरा नहीं उठाने पर 1,18,000 की पेनल्टी 7 महीने में लगाई गई। वहीं ओपन डिपो से कचरा नहीं उठाने पर 1,81,350 रुपए की पेनल्टी 5 महीने में लगाई गई। यानी पिछले 8 महीने में हेरिटेज में 35,20,651 रुपए की पेनल्टी लगाई गई। सफाई व्यवस्था का जिम्मा देख रहे उपायुक्त आशीष कुमार की माने तो नगर निगम हेरिटेज में इस बार डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए जो टेंडर किए गए थे उसमें गाड़ी की उपलब्धता और ड्राइवर कंपनी को ही देना है। इसके अलावा एक हेल्पर नगर निगम की तरफ से लगाया जा रहा है।
हर गाड़ी का नगर निगम हर महीने का औसतन 36,000 रुपए किराया देता है और गाड़ी का एक रूट मैप तैयार कर रखा है। इस रूट मैप के मुताबिक अगर गाड़ी नहीं चलती है तो उस पर पेनल्टी लगती है। इसके लिए एक फॉर्मूला सेट कर रखा है। यही कारण है कि पिछले 7 से 8 महीने के दौरान कंपनी पर नगर निगम ने पेनल्टी के 35,20,000 रुपए से ज्यादा की रिकवरी की है। नगर निगम ने आमजनों की शिकायत आने और उसका डिस्पोजल ना होने तक 200 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी का भी निर्धारण कर रखा है। वहीं प्रत्येक हूपर की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर रखी है। जब गाड़ी सुबह कचरा कलेक्शन के लिए अपने डिपो से निकलेगी तो वो अपने रूट पर 5 किलोमीटर तक की स्पीड से चलती है। अगर इससे 30 चलती है तो ये माना जाता है कि अपने रूट पर मौके पर नहीं गई। आशीष कुमार ने बताया कि कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों पर GPS से निगरानी के सिस्टम को फुल प्रूफ बनाया गया है। हाईटेक निगरानी से पहले शिकायतों की भरमार रहती थी कि कचरा उठाने वाला वाहन नहीं पहुंच रहा। कई वाहनों के फेरे तो कम होते थे लेकिन भुगतान ज्यादा उठा लेते थे। कई वार्डों से कई दिनों तक कचरा नहीं उठाया जाता था। हाईटेक निगरानी से इस परेशानी का कुछ हद तक समाधान हुआ है। अब अगर कोई वाहन संबंधित वार्ड में नहीं पहुंचा या कम फेरे लिए तो इसकी जानकारी निगम तक पहुंच रही है। इसका असर ये हुआ कि कचरा संग्रहण में होने वाली गड़बड़ियां भी सामने आने लगी हैं। निगम का पैसा भी बच रहा है। वार्डों में तो 100% जो है वो डोर टू डोर कवरेज हो रहा है और इसके अलावा अगर उनकी मॉनिटरिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, अगर वो डिले से निकलती हैं या कहीं गाड़ी हॉल्ट कर रखी है ज़्यादा देर तक, तो वो सारा जो है वो हमें ऑनलाइन शो होता है। हमारे कंट्रोल रूम हर जोन में स्थापित हैं, साथ ही नगर निगम मुख्यालय में कंट्रोल रूम है जहाँ पे बड़ी TV स्क्रीन्स पे हम उनकी पूरी मॉनिटरिंग अपने IT और IE की इंजीनियर्स के माध्यम से कर रहे हैं। बहरहाल नगर निगम हेरिटेज प्रशासन का कचरा संग्रहण के बाद अब फोकस शहर को ओपन कचरा डिपो फ्री बनाने की कवायद है। इसके लिए नगर निगम प्रशासन की टीमें काम करने में जुट गई हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ओपन कचरा डिपो होने से शहर की सुंदरता को धब्बा लग रहा है। पिंक सिटी में आने वाले पर्यटक को अब मुख्य सड़कों पर कचरा दिखता है तो मैसेज भी गलत जाता है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।